प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज हम इस पाठ का दूसरा खंड पढ़ेंगे, तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का दूसरा खंड। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के स्वाल्टर्स हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। जब वे त्रिची से रामेश्वरम लौटते तब अपने बड़े भाई मुस्तफा कलाम की परचून की दुकान पर मदद करवाते थे। सेंट जोसेफ कॉलेज में वे 4 साल रहे। यहीं उन्हें अंग्रेजी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। उन्होंने 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए डॉक्टर अब्दुल कलाम की शिक्षा दीक्षा के बारे में पाठ के आधार पर प्रकाश डालिए, तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने रामनाथपुरम के स्वार्टर्स हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। 1954 में या 1954 में फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के चक्कर लगाने शुरू किए। वहाँ के लिए उनका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में तो आ गया, पर पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि दाखिले का खर्च उठा सके। तब उनकी बहन जोहरा ने अपने हाथ के कड़े और गले का हार गिरवी रख कर फीस चुकाई। तभी उन्होंने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करने और पैसा कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। 1955 में पहला वर्ष पूरा करने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग को अपना विशेष विषय बनाया। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पाठ के आधार पर बताइए, तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर कलाम का बचपन गरीबी में बीता। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका चयन तो हो गया, पर दाखिले का खर्चा उठाना उनके पिता के लिए संभव नहीं था। उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने हाथ के कड़े और गले का हार गिरवी रखकर फीस चुकाई थी। बचपन बहुत सादगी में बीता। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से जुड़े। शुरू में उन्होंने भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद 1962 में वे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो से जुड़ गए। 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट
डायरेक्टर थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए 1980 में भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय कार्य किया, तो आप इसका उत्तर देंगे 1980 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर B.S. अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की शुरुआत की। इस प्रोग्राम के अंतर्गत त्रिशूल पृथ्वी आकाश नाग अग्नि और रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बनाई। इनके बाद उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है, तो आप इसका उत्तर देंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अनेक मिसाइलें बनाई। त्रिशूल पृथ्वी आकाश नाग अग्नि ब्रह्मोस, इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके शानदार योगदान के लिए सन 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1997 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप इन सभी को रेखांकित करें। कभी भी ये भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उनके प्रयासों से ही भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन सका। 11 मई 1998 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में, जो वर्तमान में जैसलमेर में स्थित है, इलाके पोखरण में ये स्थान जैसलमेर में है, तो 1998 को राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके पोखरण में 3 विभिन्न क्षमताओं वाले परमाणु बम के परीक्षण किए गए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में ये परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों की अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों पर बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। भारत ने उनके विरोध के सामने घुटने नहीं टेके। 13 मई 1998 को दोपहर 12:21 पर 2 और भूमिगत परमाणु परीक्षण कर अपने दृढ़ इरादों का परिचय दे दिया। आप इन्हें रेखांकित करें, क्योंकि ये कभी भी आपको आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ उन्होंने 25 जुलाई 2002 को ली। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ कब ली, तो आप इसका उत्तर देंगे 25 जुलाई 2002 को ली। और पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया। वे 11वें राष्ट्रपति थे। यदि पूछा जाए कि अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो आप क्या लिखेंगे? अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम की व्यक्तिगत जिंदगी बहुत अनुशासन प्रिय थी। वे शाकाहारी थे। उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम मूलतः राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याणकारी नीतियों के कारण उन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। वे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। यदि आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कब राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो आप क्या उत्तर देंगे? डॉक्टर अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2002 को ली। इसी तरीके से आपसे अगला प्रश्न पूछा जाए, डॉक्टर अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने कभी शराब का सेवन नहीं किया। वे भारत को विश्व का सिरमौर देश बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजीवन अविवाहित रहे। वे कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे, तो आप इसका उत्तर देंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे वे त्रिकुल, इस तरीके से आज हमने यहाँ पर पढ़ा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार पढ़ें, समझें, इसका मनन करें और इस खंड में जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं या मेरे द्वारा पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।